हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। सी, ये होता है यूट्रस, करेक्ट। यूट्रस के नीचे के पार्ट को बोलते हैं वजाइना, जहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी करने के टाइम पे स्पर्म डिपॉजिट होते हैं। यूट्रस के बाजू में रहते हैं हर लेडी को दो फेलोपियन ट्यूब्स, ये ऑलमोस्ट हर लेडी को होता है। एंड दोनों फेलोपियन ट्यूब के बाजू में रहते हैं दो ओवरी, ओके। अब ओवरी में से ओव्यूलेशन के टाइम पे जब एग रिलीज होता है तो ये एग एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के बाद में ये एग और यहां से जो ट्रैवल किया हुआ स्पर्म है उनका फ्यूजन होता है। इसका मतलब एक्चुअल में प्रेगनेंसी बनती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इस पार्ट को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या नली, करेक्ट। अब ये जो प्रेगनेंसी बनती है, ये प्रेगनेंसी धीरे 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 एडवांस होके आती है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में फाइनली इस प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन होता है, मतलब गर्भारोपण होता है। इस चीज को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, करेक्ट। ये बात नॉर्मल है, इसीलिए नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है यूट्रस के अंदर। ये है मैकेनिज्म नॉर्मल प्रेगनेंसी का। बट काफी सिचुएशंस में, स्पेशली जब ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम देखते हैं इज पास्ट इन्फेक्शन, मतलब कोई भी कारण के वजह से अगर ट्यूब में इन्फेक्शन हो, अगर ट्यूब में पानी भरा हो, जिसे हम हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हो, बराबर, ये सारे कारण के वजह से कभी कभी ये जो प्रेगनेंसी रहती है, जो यहां पर बनती है, वो यहीं पे इम्प्लांट हो जाती है ट्यूब के अंदर। और जब ये प्रेगनेंसी ट्यूब में इम्प्लांट हो जाती है तब ये अंदर ही अंदर ट्यूब में ग्रो करने का स्टार्ट कर देती है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यूट्रस के अंदर जब प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो क्या होता है, यूट्रस साइज में बड़ा 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 होते रहता है, राइट। अपने को दिखता भी है कि यूट्रस साइज में बड़ा होता है, पर ये फेलोपियन ट्यूब तो बहुत ही पतला स्ट्रक्चर है। इसका अंदर का जो डायामीटर है वो हार्डली 2 मिलीमीटर है, मतलब इसमें अगर प्रेगनेंसी ग्रो होने का स्टार्ट कर देती है तो थोड़े टाइम के बाद में ये जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जहां पे प्रेगनेंसी ग्रो होती है, ये पूरा रप्चर हो जाता है, ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है। रप्चर मतलब ब्लास्ट हो जाना, फूट जाना। जब ये फूट जाता है तब उसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है, और इस चीज को जब ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है उस चीज को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब नॉर्मल लोकेशन के बाहर, उसे बोलते हैं एक्टोपिक, करेक्ट। नॉर्मल लोकेशन है यहां पे, पर इस लोकेशन को छोड़ के और कोई भी लोकेशन, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, ओवरी है, ऐसे कोई भी जगह पे अगर प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो उस चीज को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, एज अ पेशेंट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आज के जमाने में थैंक्स टू अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस बहुत ही आसान हो गया है, करेक्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ सर्जिकल इमरजेंसी, मतलब अगर आपको पता चला है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको 100% आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाना है। इसमें आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मैं घर पे बैठूंगा, मैं सोचूंगा, मैं मम्मी को पूछूंगा, मेरे पापा आएंगे तब मैं जाऊंगा, ऐसा सब टाइम पास नहीं करना है। इस चीज के सिचुएशन में आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाना है। गायनेकोलॉजिस्ट फिर एग्जामिन करेंगे, प्रेगनेंसी का साइज कितना है ये देखेंगे, प्रेगनेंसी अंदर से फट गया है कि नहीं फट गया है ये सब देखेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन हम देते हैं इस चीज में, इसको बोलते हैं मेथोट्रेक्सेट, ये इंजेक्शन से क्या एक्टोपिक दवाई से ठीक हो सकता है, या फिर उसको लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन का ऑपरेशन करने की जरूरत है। ये दो में से कोई भी एक चीज का डिसीजन आपके डॉक्टर आपके लिए लेंगे, और वो ही डिसीजन आपको फॉलो करना है। काफी बार हम देखते हैं कि ये सिचुएशन में पेशेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, 2 ओपिनियन लेते 8 ओपिनियन लेते 10 ओपिनियन लेते, पर ओपिनियन सबका यही है कि आपको हॉस्पिटल में जाना है और डॉक्टर को दिखाना है, और डॉक्टर जो बोलेंगे वो चीज फाइनल है।
इस चीज में, क्योंकि इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ये जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है ये बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए इस चीज में आपको जरा भी सोचना नहीं है। हाँ, काफी बार लोग ऐसा करते हैं कि एक सोनोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया तो दूसरे लोग का भी लेते हैं, दैट इज ओके, बट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इस चीज में, क्योंकि ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है और इस चीज में कोई डाउट नहीं है। करेक्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेके एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने का जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।